हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन सा एड नेटवर्क बेस्ट होता है, फेसबुक बेस्ड होता है या फिर गूगल एड होता है। ठीक है, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सा एड नेटवर्क यूज़ करें। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कौन सा एड नेटवर्क यूज़ करना है। ओके, तो मैंने नोटपैड में कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, मैं आपके साथ एक एक शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, एमबी साइज़। तो देखो, अगर आप गूगल एड्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपने ऐप में, तो वो थोड़ा कम एमबी साइज होगा एज कम्पेयर टू द फेसबुक। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ऐप क्रिएट कर रहे हो, अगर आप एड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो गूगल एड्स के, तो होगा नियर अबाउट 10 MB का। और यही आप फेसबुक एड्स को इम्प्लीमेंट करोगे तो हो जाएगा 12 MB का। मीन्स जब हम फेसबुक एड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब एप्स का ज़्यादा साइज हो जाता है। ओके, इसलिए गूगल एड्स बेस्ट है एज कम्पेयर टू द फेसबुक। अभी हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, रिवेन्यू की। इसमें तो देखो, अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो फेसबुक बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू द गूगल एड मॉब। बट हमें फेसबुक के कुछ टर्म्स यूज करना होता है, मीन्स उसको कुछ फॉलो करना होता है। तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कि कुछ टर्म्स कौन से होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है। बट ये कन्फर्म है कि आप फेसबुक से ज़्यादा रिवेन्यू कमाओगे, मीन्स क्योंकि इसमें ECPM ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द गूगल एड्स। अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रिप्लाई। तो देखो, हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम गूगल एड से कुछ हेल्प के लिए हम हेल्प में जाते हैं एंड उससे रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो गूगल एड्स फास्ट है एज कम्पेयर टू द फेसबुक, क्योंकि गूगल एड्स जल्दी से हमें रिप्लाई दे देता है। और यही हम बात करें फेसबुक में, तो फेसबुक थोड़ा डिले रिप्लाई देता है, मीन्स इसका रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू द गूगल एड्स थोड़ा स्लो होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एड्स लिमिट। तो देखो, अगर आप गूगल एडमॉप यूज करते हो या फिर गूगल एड्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपने ऐप्स में, तो आपको एड्स लिमिट भी आ सकते हैं। तो एड्स लिमिट क्यों आते हैं? तो कभी कभी हम खुद के एड्स खुद ही देख लेते हैं। जैसे हम ऐप्स को क्रिएट करते हैं एंड गूगल एडमॉप में जाके एड यूनिट आईडी को जनरेट करते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड जब हम अपने एड्स या फिर अपने ऐप्स को जब हम रन करते हैं, तो गलती से हम खुद के ही ऐप्स को रन करते समय हम एड्स को यूज कर लेते हैं या फिर क्लिक कर देते हैं, तब आपको एड्स लिमिट आ सकता है या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल एडमॉप में आपको एड्स लिमिट देखने के लिए मिल जाएगा। और यही हम फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक में एड्स लिमिट का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, एड इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो, अगर हम बात करें गूगल एड्स की, तो गूगल एडमॉप में हम इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फेसबुक की बात करें तो इसमें थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू द गूगल एडमॉप। ओके, क्योंकि इसमें हमें स्पेस क्रिएट करना होता है, स्प्रेस क्रिएट करने के बाद एड यूनिट आईडी जनरेट करना होता है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और यही हम बात करें गूगल एड्स की, तो हम इजीली एड यूनिट आईडी जनरेट करके इसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मनी विड्रॉ। तो देखो, फेसबुक इजी होता है मनी को विड्रॉ करने के लिए एज कम्पेयर टू द गूगल एडसेंस, क्योंकि हमें गूगल एडसेंस में कुछ वेरिफिकेशन कम्प्लीट करना होता है। जैसे हमें सबसे पहले गूगल एडसेंस में $10 कम्प्लीट करना होता है, उसके बाद में हमें वेरिफिकेशन में पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट हमें अपलोड करना होता है। इनमें से कोई भी अपलोड कर सकते हो, बट हमें वेरिफिकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी अपलोड करना होता है। ओके, एंड इसके बाद हमें एक कोड मिला जाता है, हमारे एड्रेस पे एक कोड आता है 6 डिजिट का। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, जब हमारे अकाउंट में $100 कम्प्लीट होंगे तब। और यही हम बात करें फेसबुक के इसमें, तो फेसबुक में ऐसा कोई भी लोचा नहीं होता, डायरेक्ट हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे $100 कम्प्लीट हो जाते हैं, वहां आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड उसको आप ऐड कर सकते हो एंड मनी को डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो। तो फेसबुक नेटवर्क बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू द गूगल एडमॉप मनी विड्रॉ केस में। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एड यूनिट आईडी। तो देखो, हमें एड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एड यूनिट आईडी जनरेट करने होते हैं। तो एड यूनिट आईडी जनरेट करना गूगल एडमॉप में ईजी है एज कम्पेयर टू द फेसबुक, क्योंकि इसमें कुछ हमें प्रॉब्लम फेस करना होता है एड यूनिट आईडी जनरेट करने के लिए, और इसमें ज़्यादा टाइम भी देखने के लिए मिलता है या फिर टाइम भी लगता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अपडेट। तो देखो, हमें ऐप्स को अपडेट करना होता है फेसबुक में, क्यों? अगर सपोज यही हम बात करें गूगल एडसेंस में, तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट एड यूनिट आईडी जनरेट करना होता है एंड इम्प्लीमेंट करना होता है ऐप्स में एंड डायरेक्ट प्ले स्टोर पर अपलोड करने के बाद हमें अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हो जाता है। और यही हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक में ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है, हमें फेसबुक में को पहले सबसे पहले एड्स इम्प्लीमेंट करना होता है। एड्स इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें उसको अपडेट भी करते रहना होता है, जैसे SDK वर्जन उसका अपडेट होना चाहिए। अगर आप सपोज SDK वर्जन अपडेट नहीं करते हो, तो आपका जो भी रिवेन्यू ज़्यादा होता है फेसबुक में, वो थोड़ा कम होते जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, फेसबुक में
रिवेन्यू की इसमें अपडेट ज्यादा करना होता है एज कम्पेयर टू द गूगल एडमॉप। गूगल एडमॉप में डायरेक्ट हमें एक बार क्रिएट करना होता है एंड अपलोड कर देना होता है, एंड हम लैब टाइम तक इसमें कोई भी नीचे या फिर ऊपर स्लोप देखने के लिए नहीं मिलता है रिवेन्यू में। और ये हम बात करें फेसबुक पे तो इसमें देखने के लिए मिलता है अगर हम SDK को अपडेट नहीं करते हैं तब। ओके, अभी हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की रिकमेंडेशन की। तो देखो मेरा रिकमेंडेशन ये की है, आप दोनों भी एड्स को यूज कीजिए, जो आपको प्रॉपर लगे आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि गूगल एडसेंस भी बेस्ट है एंड फेसबुक भी बेस्ट है। आपको जो बेस्ट लगे आपको वो चूज करना है अभी। ओके, तो आई होप गाइस जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए थे वो आपको समझ में आओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज भाई इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।